بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم. वो जो अपने माल खैरात करते हैं रात में और दिन में छुपे और जाहिर उनके लिए उनका नेक इनाम है उनके रब के पास उनको न कुछ अंदेशा हो न कुछ गम वो जो सूद खाते हैं क़यामत के दिन न खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है वो जिसे आसेब में छू कर मजबूत बना दिया हो ये इसलिए कि उन्होंने कहा बे भी तो सूद ही है सूद सूद की माने दी है और अल्लाह ने हलाल किया बे को हराम किया सूद तो जिसे इसके रब के पास से नसीहत आई और वो बाज न रहा बाज रहा तो इसे हलाल है जो पहले ले चुका वो इसका काम खुदा के सुपुर्द है और जो ऐसी हरकत करेगा तो वो दोस्ती है वो इसमें मुद्दतों रहेंगे अल्लाह हलाक करता है सूद को और बढ़ाता है रात को और अल्लाह को पसंद नहीं आता कोई नाशुक्र बड़ा गुनाहगार أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 کا کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا یہ اسی سلسلے میں جو پچھلی نشست بھی ہوئی تھی کہ سود کے بارے میں جو سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں اور قرآن اور حدیث میں جو دوسری آیات ہیں ان کی بنیاد پہ سود کو ہم سمجھیں اس کے مسائل کیا ہیں موجودہ دور میں اس سے کیسے نپٹا جائے اس کے ایشوز کیا ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں تو اسی سلسلے میں آج جو ہے وہ ہم اسی پچھلی ڈسکشن کو آگے لے کے جاتے ہیں اور اس میں ہم نے کافی سیر اصل گفتگو کی تھی کہ ربا کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی تعریف کے حوالے سے موجودہ دور میں کیا کیا لوگوں کے اشکالات ہیں اور ان کے کس طرح کے کچھ جوابات ہم نے دینے کی کوشش کی تھی آج میں چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم ایک طرف تو اس کے حلال اور حرام اور اس کی جو وعیدیں ہیں وہ تو دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ پھر ہم کریں کیا یا پھر جب یہ بحث ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ پھر اسلام میں کوئی پیسے کمانے کا کوئی پھر راستہ رہ بھی جاتا ہے کہ نہیں کوئی ممکنات بھی ہیں کہ جو ہے وہ معاشی جو ایکٹیویٹیز ہیں اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ کی جا سکتی ہیں اگر کی جا سکتی تو پھر کیسے کی جا سکتی تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ان دو آیات میں ان دونوں سوالوں کا اس سوال کا جواب بھی دیا گیا دو صورتیں ہیں اگر ہم سورہ جو آیت 276 ہے اس کو پہلے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم سود کا مٹھ مارتے ہیں سود کو کم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں
अब सूद के मुकाबले में सदकात की बात की गई। एक तरफ सूद है, दूसरी तरफ सदकात का जिक्र किया गया। और फिर जो उससे पहली वाली आयत है उसमें कहा गया है कि शख्स वो बावले किसी उसकी हालत होती है, और उसकी वजह ये है कि वो कहता है कि सूद भी तो तिजारत की तरह है। तो वहाँ सूद के मुकाबले में तिजारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो गोया जहाँ चीज़ें मना करने की बात है साथ उसका मुतबादल भी बता दिया गया। तो आज हम इस कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि सूद जो अल्लाह के नज़दीक कम होता है तो उसके मुकाबले में सदकात जो हैं वो अल्लाह के नज़दीक बढ़ते हैं। तो उससे हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसका मुशाहिदा कैसे कर सकते हैं, और उससे कैसे जो लोगों के माशी मसाइल किस तरह हल होते हैं। तो सूद के मुकाबले में अब ये दो ज़िद एक किस्म की आ गई, इससे दो सूद से इखलाकी और माशी या तमदनी तहजीबी सतह पे जो उसके असरात होते हैं उसके मुकाबले में सदकात के इखलाकी और तहजीबी और तमदनी लिहाज पे जो असरात होते हैं उनको हम देख लेते हैं। सूद जो है वो इंसान में खुदगर्जी पैदा करता है, क्योंकि आप किसी ऐसे शख्स से या ऐसे ग्रोह से या ऐसे इदारों से जो जिनके पास फंड नहीं है उनको आप फंड दे के पैसे दे के कर्ज दे के उनसे सूद चार्ज करते हैं, तो गोया आप अपनी ज़रूरियात को दूसरों की मजबूरियों की बुनियाद पे हल करना चाहते हैं, और माशरे में भी जो है वो उससे ये हम आम मुशाहिदा भी कर सकते हैं कि सूद देने वाले का सूद लेने वाले के साथ ताल्लुक कैसा होता है। ये इंफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी मुल्कों की सतह पर भी, वो आप डिफ़ॉल्ट हो जाएं, आप जो है वो आपके पूरी आबादी मसले में आ जाए, लेकिन वो सूद देने वाला जो है वो आपसे तकाजा ज़रूर करेगा, और उसको सूद लेने वाले को उसको सूद देना पड़ेगा चाहे उसकी जैसी भी हालत हो। दूसरी सूरत में तो ये एक तो इखलाकी तौर पे खुदगर्जी बुखल ये उसके लाजमी वो आउटकम हैं सूद के, और उसकी वजह से जो माशरा है वो भी उसमें हिरस लालच और वो जो माइट इज़ राइट वाली बात है, दूसरों के रिसोर्सेज को अपनी तरफ लेके आने वाली बात है, ये ऑटोमेटिकली पैदा होती है। और इस निज़ाम को अगर आप पूरी दुनिया में स्टडी करें तो पूरी दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं उनसे सरमाया सिमट के जो है वो अमीर ममालिक की तरफ जा रहा है, और अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, और गरीब जिनका ये सरमाया है वो भूख और अफलास और तंगी में मर रहा होता है। आप अगर इस्लामी दुनिया की भी, ये हमारी नलायकी भी है, इस पर भी हम फिर कभी बात करेंगे, तो या अफ्रीका है या एशिया के ममालिक हैं जो बज़ाहिर इकोनॉमिकली गरीब हैं, लेकिन इनके अगर आप सरमाए देखें तो इनके सरमाए उनके बैंकों में उनके डिपॉज़िट की सूरत में ज़्यादा है, अरबों के हमारे डिपॉज़िट्स उन यूरोप में या अमेरिका के बैंकों में ज़्यादा है, और वो वहीं हमारे ही डिपॉज़िट जो हैं वो हमें कर्ज़ की सूरत में फिर सूद पे देते हैं और उसी से पैसे कमा रहे हैं, और फिर उनको ये जो इलाके हैं पूरा अफ्रीका जो है वो गुरबत में वो दसा जा रहा है, दलदल में है, कई ममालिक इतने गरीब हैं। तो दुनिया जो है वो अपने फ़ायदे के लिए जो है वो दूसरी तरफ नहीं देखती। इसके मुकाबले में जो इस्लाम का तसव्वुर है सदकात का,
और सदकात में कर्ज हसन भी उसमें आ जाता है। वो जो है वो फयाजी, दूसरे की खैरखाई, आला ज़र्फ़ी और ये वाले ख्वास इंसान में पैदा करता है। जब आप किसी को मदद इस बुनियाद पे कर रहे हो कि वो उसकी मजबूरी है, चाहे वो उसकी ज़ाती ज़रूरियात हों या चाहे उसकी कारोबारी ज़रूरियात हों, उसको भी पूरी करने के लिए आप कर्ज़ हसन के तौर पे उससे मदद कर रहे हैं या फिर सदकात में ज़कात और दूसरे सदकात की सूरत में मदद कर रहे हैं, तो आप उसके हमदर्दी हासिल भी कर रहे हैं और उसके साथ जो मोहब्बत और अख़ुव्वत का जो पहलू है वो भी नुमायाँ हो रहा है। तो ये तो इसकी इखलाकी और जो तहजीबी इकदार हैं उसका उस पर फ़र्क पड़ता है। और अमली सूरत में हम देखते भी हैं हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा राइज भी है कि हम लोग जो हैं वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए भी और कारोबारी ज़रूरियात के लिए भी अपने ख़ानदान से, अपने दोस्तों से कर्ज ले रहे होते हैं, या तो कर्ज़ हसने की सूरत में भी होता है और वो दूसरी सूरत में कर्ज जो वापस किया जा सकता जाता है बग़ैर सूद के। और यही वो हमारा सिस्टम है जिससे हमारा भाईचारा जो है वो कायम है। वरना जो जो बाहर के ममालिक में हम देखते हैं तो वहाँ इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप जो है ना फ्री किसी को पैसा दे दें। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि नफसा नफसी, और वो अमीर तो हैं पैसों के हिसाब से, लेकिन वो जो इखलाकी हिसाब है या जो रूहानी उसका सिलसिला है वो वहाँ पे मफकूद नज़र आता है। और हमारे माशरों में भी अभी ऐसा होना शुरू हो गया। तो एक तो ये पहलू जो इस आयत से निकलता है कि सूद के मुकाबले में जो सूद की खबासतें हैं वो माशरे में किस तरह ज़ाहिर होती हैं, और जो सदकात हैं उसके मुकाबले में जिसको इनक्रेज किया गया है उसकी बरकतें माशरे में किस तरह आती हैं, और जो जितना जितना कम होता जा रहा है उतनी वो बरकतें हमारे माशरे से उठती जा रही हैं। दूसरा पहलू जो कि वो सूद को भी समझते हैं कि वो तजारत भी सूद की तरह ही है, तो सूद के साथ साथ तजारत का ज़िक्र किया गया है। तो इस्लाम में जो अब ये सवाल होता है कि अगर वो कर्ज सिर्फ कर्ज़ हसना या कर्ज जो है वो सिर्फ मदद के लिए देना है, तो फिर कारोबार फिर मुनाफा कैसे कमाया जाए, क्योंकि वो सूद वाले कहते हैं कि उससे मुनाफा लेते हैं तो तजारत से भी तो मुनाफा ही लेते हैं, तो वो भी तो वैसे ही चीज़ है। लेकिन अल्लाह ने कैटेगोरिकली कहा है कि अल्लाह ताला ने अहल्लाबैया व हर्रम अर्रिबा, अल्लाह ताला ने सूद को तजारत को हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया। गोया कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तजारत की तरफ जाओ सूद की तरफ न जाओ, तो उसका हल भी साथ दे रहा है, मना किया जा रहा है और फिर हल भी दे दिया जा रहा है। तो इस पर अगर हम आप आते हैं तो फिर इस्लाम में मुनाफा करने कमाने का या कारोबार करने का फिर क्या तरीका कार हो सकता है अमली तौर पे? तो अब इस्लाम में एक तरीका ये हो सकता है कि आप कारोबार शराकत की बुनियाद पर करें, जिसमें एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने सरमाए को साथ लेके आएं और उस सरमाए को इकट्ठा करके एक जॉइंट पूल बना लें, और उसमें उस पर फिर उसके तरीके हैं कि वो कारोबार में शामिल हो जाएं, और उस कारोबार से जो भी प्रॉफिट हो उसको शेयर कर दें। ये मॉडल जो है वो इसमें मुशारका है और मुदारबा है। एक सूरत ये हो सकती है कि जिसमें कुछ पार्टनर जो हैं वो उनके पास पैसा होता है और कुछ लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं, वो पैसे को इस्तेमाल करना जानते हैं, तो उस सूरत में मुदारबा की शक्ल आ जाती है। तो ये मुशारका और मुदारबा दो अलग अलग टर्म्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप कारोबार में शरीक हो सकते हैं, और ये आम तौर पे हमारे माशरे में हो रहा होता है।
इसको फिर इसके कुछ इस्लामी उसूल हैं वो हम फिर उसमें बात करेंगे। मैं इस वक्त ओवरऑल बात करना चाह रहा हूँ। तो ये आम तौर पे हम जॉइंट वेंचर के तौर पे कर रहे होते हैं। मक्का में जो इस्लाम से पहले यही चीज़ मुशारका हो रहा होता था, लेकिन वो सूद की बुनियाद पर चीज़ें इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो कंबाइन करके काफ़िले चलते हैं, चीज़ें ली की जाके बेची, कोई एक्टिविटी शुरू की, कोई फैक्ट्री शुरू कर दी, कोई कारोबार मैन्युफैक्चरिंग कर कारोबार शुरू कर दिया, सब ने पैसा लगा, कोई कॉलेज खोल लिया, यूनिवर्सिटी खोल लिया, हॉस्पिटल खोल लिया, ये सारे वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि उस पर या तो आप मुशारका के बेस पे जहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है कि हर जो है वो पैसे देने वाला अपनी जो है वो सलाहियतें और अपनी स्किल्स भी साथ साथ लगा रहा है, और उसकी बुनियाद पे या तो उस बिज़नेस से जो है वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि बिज़नेस करेंगे तो रिस्क उसमें शामिल होगा। सूद की सूरत में आपको देने वाले का रिस्क कुछ नहीं होता, उसके लिए इंश्योर होता है कि वो वापस करेगा। कारोबार जब आप करते हैं तो उसमें कारोबार के लॉस होने का रिस्क होता है, मुनाफा कम या ज़्यादा होने का रिस्क होता है, आप कोई चीज़ फिक्स नहीं कर सकते। तो यही वो तरीका है कि जिसकी बुनियाद पे हर पार्टनर चाहेगा कि हम खुले तौर पे सही तरीके से इस बिज़नेस से इससे जो है वो मुनाफ़ा कमाएं। तो ये एक सूरत हो सकती है। दूसरी मुदारबा की सूरत हो सकती है कि जहाँ पे कुछ लोग अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो शामिल कर लें और कुछ लोग जो चलाने वाले हैं, मसलन जो है वो जिस तरह मैनेजर रख लेते हैं, आप मेरे पास पैसा है और मैं चाहता हूँ कि हेल्थ में कोई जो है वो हॉस्पिटल बनाया जाए, तो वो मैं हॉस्पिटल बना लेता हूँ, उसका मैनेजर रख लेता हूँ, वो मेडिकल शोबे से भी हो सकता है, किसी दूसरे शोबे से भी हो सकता है, जो उसको चलाए और उस पर जो जो आमदन हो उसको उस पर एग्री कर लें, उस पर जो है वो पहले से चीज़ें तय कर लें। उसकी फिर शरायतें हैं इस्लाम में कि मुशारका सिर्फ नाम रखने से शरिया कंप्लाइंट नहीं हो जाता, ठीक है ना। मुशारका तो अरबी का लफ्ज़ है, शिरकत से है, जब शरीक हो जाए तो वो, और मुदारबा में एक होता है कि मुदारब होता है, एक रब्बुल माल होता है, एक इन्वेस्टर होता है, एक उसको मैनेजर होता है, तो उस हिसाब से, लेकिन कुछ शरायत फिर बुनियादी तौर पर उसको फॉलो की जाती है। तो एक तो ये सूरत है कारोबार करने की, और ये दुनिया में राइज है कारोबार, हमारे इर्द गिर्द ये कारोबार इस तरह के राइज हैं, तो इस्लाम इस तरह की एक्टिविटीज़ चाहता है। हमारे जो हम अशरा मुबशरा और सहाबा कराम के देखते हैं तो बड़े बड़े कारोबार थे, और इतने बड़े के जो जितना हम जो है ना आजकल के हिसाब से जो आजकल के दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं उनसे भी बड़े कारोबार थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ये लोग बड़े कारोबार करते थे, प्रॉपर्टीज़ में भी करते थे, मुशारका और मुदारबा की सूरत में भी। तो ये एक सूरत है जिस पे चीज़ हो सकती है सूद के बगैर। दूसरा ये है कि ट्रेडिंग जो है, तजारत, जिसको हम अरबी में तजारत तो बड़े उसमें वसी मानों में, जो हम ट्रेडिंग जिसमें आप सेल और परचेज़ का काम करते हैं, कहीं से चीज़ें ख़रीदी हैं आगे बेच दी हैं, ये वाला जो काम है इसमें जो भी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। मुराबा की एक सूरत है जिसमें आप जो चीज़ ख़रीदते हैं उस पर आप बताते हैं कि ये मुझे इतने की पड़ी है, इतने में मैं प्रॉफिट लूँगा, ये आपको ठीक। तो किसी को भी एक ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की माइक की ज़रूरत पड़ गई, स्टेबल की ज़रूरत पड़ गई, और एक बंदा है जो ये मार्केट में ये चीज़ें ख़रीदो फरोख्त में एक्सपर्ट है, तो उसके साथ आप कहेंगे कि आप मुझे लेके ये चीज़ दे दें, वो आपको ख़रीदेगा कि क्या मैं इतने में पड़ी है, मैं आपको इतने में बेचूंगा। तो ये मुराबा की एक सूरत हो सकती है। फिर सलम है, इस्तिस्ना है, इस तरह की जो है वो सेल्स, तो ट्रेडिंग जो है वो ये पूरा बिज़नेस इससे हो सकता है। इसकी फिर हर प्रोडक्ट्स पे हम डिटेल पे गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं ज़रा ओवरव्यू दे के मैं कटन पर सवाल जवाब पे आ जाए। इसके अलावा जो है वो इजारा का एक पूरा बिज़नेस है, जो रेंटल बिज़नेस जिसको कहते हैं,
उसमें आप प्रॉपर्टी है, घर है, आपने घर बनाया किराए पे दे दिया, आपने गाड़ी ली किराए पे दे दी, रेंट अ कार जिस तरह करते हैं, तो इस तरह की मुख्तलिफ सूरतें हैं जिसकी बुनियाद पे आप कारोबार कर सकते हैं। तो ये कुछ बिजनेसेस हैं जो इस्लामिक असूलों के मुताबिक जिसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, और यही वो चीज़ें हैं जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। रियल एसेट, रियल चीज़ें जो हैं वही सेल और परचेज होती हैं, वरना लोन की सूरत में आप करेंसी को ख़रीद और बेच रहे होते हैं जो वो आपकी किसी की ज़रूरत डायरेक्ट पूरी नहीं कर रही होती। तो जिसके पास ज़्यादा करेंसी है, जिसके पास ज़्यादा सरमाया है, वो उसी पे उससे ज़्यादा बैठे बैठाए उससे कमा रहा होता है। तो ये जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो फिर माशरे में जो है वो आप देखें कि सदकात और ज़कात और वो पूरा अगर निज़ाम कायम हो तो फ़्लो ऑफ इनकम जो है वो अमीरों से गरीबों की तरफ जाएगा। ज़कात की सूरत में जो कंपलसरी है, सदकात की सूरत में जिसके अजर बताए गए हैं, तो जो फ़्लो ऑफ इनकम है वो टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। तो जब बॉटम की तरफ आ जाएगा तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अमीर लोगों की नीड्स जो हैं वो कुछ और लेवल की होती हैं, गरीब लेवल की जो है वो कुछ और लेवल की होती हैं, कुछ बेसिक्स होती हैं जो सबके लिए होती हैं, तो एक पूरी जो है वो माशरे में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो हलाल बिजनेस क्या होता है, शरिया कंप्लायंट बिजनेस क्या होता है। अब इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक बाउंड्रीज बताता है, उसूल बताता है, और उन उसूलों की बुनियाद पे जो है वो बिजनेसेस चलते हैं। जो हम ईवल इफ़ेक्ट बाकी वो करते हैं या जो जो दूसरे सिस्टम हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, सरमायादाराना निज़ाम है आज का हमारा, उसमें इसकी कोई कैद नहीं है कि आपका बिजनेस कैसे हो, बिजनेस फीजिबल हो, बिजनेस प्रॉफिटेबल हो तो वो बिजनेस अलाउड है। इस्लाम कंसेप्ट देता है कि बिजनेस वही अलाउड है जो हलाल है। अब हलाल में एक तो सूद वाली बात आ गई कि उसमें सूद नहीं होना चाहिए, और दूसरे हराम में वो सारी दूसरी चीज़ें जिसमें जो फाशी का वो अंसर हो और इस तरह की चीज़ें हैं जो इस्लाम ने हराम करा दी गई हैं, तो वो सारे बिजनेसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इस मुल्क में राज हो जाए और दुनिया में राज हो जाए तो पहली उस पर ही वो सारे बिजनेसेस ख़त्म हो जाएंगे, वो जो जो इस्लाम के नज़र में हलाल ही नहीं है। तो माशरे में सफाई तो वैसे आना शुरू हो जाएगी। तो हलाल बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि जो कोर एक्टिविटीज़ हैं, जो बिज़नेस जिसमें किया जा रहा हो वो हलाल होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप शराब का बिज़नेस नहीं कर सकते, आप जो है ये जो गाने बजाने और इस तरह की वो चीज़ें वो नहीं कर सकते, सूदी लेन देन वाला कोई बिज़नेस वो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली माशरे से ही आउट हो जाएंगी। जब ये आउट हो जाएंगी तो इसकी जो खबास्तें हैं वो ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस्लाम जो है वो प्योरीफाई करता है ओवरऑल माशरे की फलाह की, इस्लाम जो है वो कोशिश करता है। तो पहली चीज़ तो जो हलाल बिज़नेस के लिए ज़रूरी है कि जो उसकी कोर एक्टिविटीज़ हैं वो हलाल होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ ये वो उसको मान लिया जाता है या उसको मतलब बैंकिंग में जो काम करते हैं बैंक्स में, तो वो हराम इस वजह से है कि उसकी कोर एक्टिविटीज़ जो है वो सूद की बुनियाद पर है, इस वजह से नहीं है। वो अक्सर हम बात सुनते हैं ना कि जी आप तो चोरी नहीं कर रहे, आप तो मेहनत कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई अकाउंटिंग कर रहा है, कोई और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो ये इस वजह से हराम नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ना आप चोरी कर रहे हैं, ना आप डाका डाल रहे हैं, आप सुबह आते हैं शाम तक काम करते रहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, सब कुछ करते हैं,
ये इस वजह से हराम है कि जो उसकी कोर बिजनेस है इट्सेल्फ वो हराम है और आपकी सारी एक्टिविटीज़ उसको प्रमोट करने में लगी हुई होती हैं। तो ये बुनियादी चीज़ है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका कोर क्या है, वो हलाल होना चाहिए। फिर उसके बाद चीज़ें जो हम सब जो हम मुसलमान हैं जो बज़ाहिर उस कोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका जो सोर्स है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, आपने फंड जो जनरेट किए, बिज़नेस पैसे तो नहीं चलता ना, बिज़नेस कहीं से पैसे ले के, चाहे आपका अपना पैसा या कहीं आपने बारो किया है। हमारे बिज़नेसेस जो अभी हैं वो बारो करते हैं, अपना पैसा कम होता है और बैंक से पैसा ज़्यादा लिया हुआ होता है या लोगों से पैसा ज़्यादा लिया होता है। वो कभी हम प्रैक्टिकल आप कह रहे थे ना, तो उसमें आप किसी भी इदारे का, किसी भी जो फर्म है कोई कंपनी है, उसकी जो इक्विटी लाइबिलिटी साइड होती है, जो उस पे लोगों के क्लेम होते हैं, तो उस पे आप देखें कि जो इक्विटी पार्ट होता है उसका, वो अराउंड 30-40% होता है जो उसके ओनर्स ने दिया हुआ होता है। बाकी उसकी बॉरोइंग्स होती हैं और बॉरोइंग में भी जो बैंक से बॉरोइंग होती हैं वो सूद की बुनियाद पे होती है। तो गोया उसका जो सोर्स है जिसकी बुनियाद पे वो कारोबार कर रहा है वो सूदी उस पर बेस करता है, एक्टिविटीज पे बेस करता है, तो ये भी उसको जो है वो हराम कर देगा। ठीक है, इस पे काफ़ी काम हुआ है पाकिस्तान में। फिर ये चूँकि इस्लामिक बैंक्स आए हैं तो उसकी बुनियाद पे वो लिस्ट बनाई गई हैं कि किस थ्रेशोल्ड लेवल तक किसी कंपनी के कारोबार को, उसकी कोर एक्टिविटी को, अदरवाइज़ अगर वो हलाल है तो उस बिज़नेस को हलाल करा दिया जा सकता है। ठीक है ना, मसलन कपड़े का कारोबार कर रहे हैं तो उस कंपनी के इनकम का जो उसका जो सोर्स है वो किस लेवल पे है, तो उसकी बुनियाद पे उसको हलाल और हराम करा दिया जा सकता है। इसी तरह फिर जो एग्रीमेंट होते हैं, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, आपके जो एम्प्लॉई से एग्रीमेंट या आपके जो ट्रेडिंग पार्टनर से एग्रीमेंट होते हैं, उनकी नोयत क्या है, वो भी उस पर बेस करता है कि वो आप हलाल हैं या हराम हैं। बहुत सारे इदारे जो हैं वो सिक्योरिटीज़ में खासकर या और भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कुछ और करवाते हैं और उनको पेमेंट कुछ और करते हैं, या सामने कुछ और चीज़ होती है और बैकग्राउंड पे कुछ और चीज़ होती है, जिसमें धोखा इन्वॉल्व हो, जिसमें लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड इन्वॉल्व हो, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो भी हराम होगी। जुए की सारी किस्में अब देखते हैं दुनिया में, सारी अब ये मैचेस हो रहे हैं सब ओपन, अब वो बैट के लिए कहा जाता है, हमारे टीवी पे ऐड आती हैं बैट्स की। अब इतने लेवल पे हम चले गए कि इतने धड़ल्ले से जो है वो हराम चीज़ों को तो हलाल करार दे रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हलाल तरीके से होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, डिक्लेयर होने चाहिए, हिडन नहीं होने चाहिए। इस्लाम जो कहता है कि आप चीज़ें डिक्लेयर करें सारी चीज़ें। फिर इसमें होर्डिंग है, अब बाकी सारी चीज़ें हलाल और वो एक्टिविटी भी हलाल है, आपके कॉन्ट्रैक्ट भी हलाल हैं, सोर्स भी हलाल है, लेकिन आप चीज़ों को ज़खीरा कर रहे हैं, जो आजकल चीनी का क्राइसिस आ रहा है, तो ये बज़ाहिर तो हलाल बिजनेस है लेकिन ये इसकी वजह से वो जो है वो इस्लाम तो होर्डिंग को मना करता है। तो ये उस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे हम जो है वो बिज़नेस को हलाल या हराम करार दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे जहन में था कि मैं इस पे रख लूँ, इस पे अगर कुछ सवाल जवाब हो तो फिर उस पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो सकती है, हमारा टाइम फिर उस हिसाब से कर जाएगा। एक छोटा सवाल ये कि अगर कोई हलाल बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक्स में, तो उसको ये क्या पता कि उसके बाकी मामलात हलाल हैं या नहीं, जैसे कि वो इंटरेस्ट भी उसमें कर्जा लेता है या नहीं, वैसे कपड़े का कारोबार लेते हैं इस तरह, तो उसकी कोई शरिया कंप्लायंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है या कोई सर्टिफिकेशन होती है
मैंने अभी तो सर्टिफिकेशन भी शुरू हो गई है, जिस तरह मैंने कहा ना कि ये जो अभी जिस तरह इंडेक्स है कराची में, मिजान इंडेक्स के नाम से 30 मिजान 30 इंडेक्स है, उसमें सिर्फ वही कंपनियां हैं जिनको जो बोर्ड है जिन्होंने सर्टिफाई किया हुआ है कि ये हलाल है, रिन में इन्वेस्टमेंट हलाल है, तो इस तरह की चीज़ें हैं अभी लिस्टेड हैं। बाकी जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं, जिस तरह कपड़ा आप ले रहे हैं तो आप कपड़े की लेन देन कर रहे हैं, वो आप पे इस तरह वो नहीं आता। हाँ, आप उस इन्वेस्टमेंट के लेवल पे जाएंगे तो फिर वहाँ पर स्टॉक्स में पर्टिकुलरली या किसी भी उस दूसरे में वो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा। जनरल जो ट्रेडिंग है वो आप कोई भी बनाए, आप तो उस चीज़ को कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं तो वो तो प्रूव कर सकते हैं इसमें। तो जनरल ट्रेडिंग में उसके सोर्स का वो आप पे नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आप ट्रेडिंग किसी से भी करते हैं, हम काफरों से भी करते हैं। ये आप तो अपने नीड के लिए वो चीज़ पूरी कर रहे हैं ना। अगर आप इसी उस पर रहें ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरा ख्याल में इसी से रिलेटेड सवाल हो गया ना, वो इंश्योरेंस एक पूरा एक फिर अलग उसका फील है। कभी उस पर भी बात कर लेंगे, फोकस कर लेंगे ना उस पर। तो ये जो आज थोड़ा सा मैंने जो है ना कारोबार ट्रेडिंग और इस हिसाब से अगर इस पर अच्छा ये फरमा दें कि अल्लाह ताला ने कहा है कि सदका जो है ये तो फलते हैं, ये ज़रा समझा दी कैसे। अच्छा देखें, हमारा जो टाइम लाइन है ना मुसलमानों का, वो दुनिया तक महदूद नहीं है, उसमें आखरत इन्वॉल्व है, और कामयाबी और नाकामी जो है वो उसका मैार यही है कि जो आखरत में कामयाब हो। तो जो अब वेस्टर्न फिलॉसफी है वो उसने तो पहला काम ये किया है कि माशरे से या जो डेली एक्टिविटीज़ हैं इसमें से या बिजनेस से या पॉलिटिक्स से उसको उससे खुदा को उससे निकाला है। उसमें अनसीन जो दिखता नहीं है वो कहते हैं वो नहीं, तो वहाँ पे इसलिए उनका जो सारा फोकस हो जाता है वो मटेरियल कैलकुलेशंस पे हो जाता है, मटेरियल वेलबींग पे हो जाता है, जो सामने नज़र आता है। ये जिस तरह सूद में भी कहा है ना कि अल्लाह सूद को घटाता है और सदकात को बढ़ाता है, तो अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो मेरे पास 100 रुपया है और मैं किसी को 10% सूद पे दे दूँ तो एक महीने बाद मेरे पास 110 रुपये होंगे, जो 100 के मुकाबले में ज़्यादा हैं। और उसी दौरान मैं 100 रुपये में से किसी को 10 रुपये सदका कर दूँ तो वो मेरे पास 90 रुपये हो जाएंगे। तो ये तो उलट चीज़ें नज़र आती हैं। तो एक तो ये इमीडिएट कैलकुलेशन अगर आप देखें तो इस हिसाब से नज़र आएगा, लेकिन इसको भी अगर आप डिटेल में नज़र आएंगे, जब आप किसी को 10 रुपए देंगे तो आपके वो 10 रुपए जिसको सदका लगता है उसके पास उसकी वैल्यू वो नहीं है जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है ना। तो एक तो वो उसको उसकी नीड को ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरी करेगा, जो आपके लिए शायद नीड ना हो उसकी नीड पूरी करेगा। दूसरा फिर वो जब उसके पास जाएगा तो इसी ओवरऑल इकोनॉमी में ही है वो, और वो फिर दोबारा उसकी वो उसके लिए डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगी। आपने 10 रुपए जिसको दिए वो उसके लिए खर्च, मार्केट में खर्च करने के लिए उसके पास पैसे आ गए, तो वो इसी मार्केट में खर्च करेगा, वो मार्केट से चीज़ें डिमांड करेगा, वो डिमांड करेगा तो वो प्रोड्यूस, तो वो पूरा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो चल जाएगा, सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी नीचे लेवल पे जाके। ये तो दुनिया में बात है। इसके अलावा जो आपके लिए वो दुआएं करेगा, ठीक है ना, हमारा वो कहते हैं ना हमारा बैंक अकाउंट तो अजर भी है ना, ठीक है, फजल भी है, दुआएं भी हैं, तो वो बैंक अकाउंट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा।
और जब आप आखिरत में जाएंगे तो आपका जो है वो बैंक अकाउंट काफ़ी बड़ा हुआ मिलेगा। ठीक, तो अल्लाह ताला तो कहता है बेहिसाब बढ़ा देता है। तो हमें चूँकि हमारी जो असूल है, फिलॉसफी है, तो वो सिर्फ दुनिया की कामयाबी ही नहीं है, असल कामयाबी तो आखिरत की, और फिर दुनिया भी उसी तरह कामयाब, तो दुनिया में भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती हैं और आपको फिर सुकून है। अब सुकून कैसे मैयर किया जाए? आप जब किसी को पैसे देते हैं, उस भाई की हेल्प करते हैं, तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन होती है, रूहानी जो आपकी फ़रोग मिलता है, उसको क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते। जो वेस्टर्न इकोनॉमी है वो तो कहती है कि घर में कोई खातून काम कर रही है और उसकी वो उजरत नहीं ले रही तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रही, वो तो नेशनल इनकम में कोई इजाफा ही नहीं कर रही। और हमारी फिलॉसफी ये है कि वो पूरी जनरेशन तैयार कर रही है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो अगर बीवी है तो शौहर की खिदमत कर रही। अब इसको क्वांटिफाई कैसे किया जाएगा? तो हमें ये बुनियादी फ़र्क जो है वो जहन में रखना चाहिए कि हमारा जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है और उसको अल्लाह की रज़ा के लिए हमने चीज़ें करनी है। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो फिर वही फ़राग दिली, फयाजी और दूसरे की मोहब्बत और ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। दूसरा, इस्लाम जो करता है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि नीड्स को फुलफ़िल किया जाए। जो मौजूदा इकोनॉमिक सिस्टम है वो वांट्स की तरफ जाता है और हमारी दौड़ भी वांट्स की तरफ जाता है। वांट्स का मतलब ये है कि आप एंटरटेनमेंट में, लग्जरी में, कम्फर्ट में, इस तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं और हम में से हर कोई इसी दौड़ में लगा हुआ है कि हम कम्फर्ट्स में आ जाएँ। कम्फर्ट लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ये दौड़ लग जाए तो फिर हर एक को अपने पैसे कम नज़र आते हैं। इस्लाम कहता है कि आप नीड्स को फुलफ़िल करें और फिर उसके ऊपर सदकात और ज़कात की तरफ चले जाएं, ताकि फिर आपको दूसरों की जो है वो ख्याल आने शुरू हो जाए और फिर माशरे में जो है ना वो जो गैप है रिच और पुअर का वो कम हो। वरना हम देखते हैं कि जो है वो दुनिया में जो दुनिया के 8-10 अमीर लोग हैं वो कई मुल्कों की आमदनी से ज़्यादा उनकी आमदनी। जी, और कोई बात? आज के लिए इतना काफ़ी। जज़ाकुम अल्लाह खैर। अल्लाह ताला जो कहा है, जो उस पे अमल करने की भी, उसको समझने की भी और इस पैगाम को आगे फैलाने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा है।